नमस्कार विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीवन परिचय। जीवन परिचय हम जानेंगे महादेवी वर्मा का, जो क्वेश्चन आता है 3 नंबर में। देखिए, बिल्कुल हाथ से लिखे हुए बहुत ही सरल भाषा में नोट्स यदि आपको चाहिए क्लास 12th के, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको नाम मात्र का पे करना होगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर कक्षा 12वीं का ये क्वेश्चन रहेगा 3 नंबर में। ये मध्य प्रदेश की बोर्ड परीक्षाओं में भी आता है, त्रैमासिक परीक्षा में भी आएगा, अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है तथा अन्य बोर्ड परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टूडेंट्स, किस प्रकार से ये क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे यहाँ पर आपको बताया जाएगा। चलिए, तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हस्तलिखित क्लास 12th के पूरे नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं ये भी बता दीजिएगा। अगर आपको PDF चाहिए तो PDF भी मिल जाएगा, और यदि आपको हार्ड कॉपी चाहिए, फोटोकॉपी अगर आपको करवाना है, नोट्स मंगवाने हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। पूरा सिलेबस, ग्रामर, ऑब्जेक्टिव, संदर्भ प्रसंग, लेखक परिचय, कवि परिचय, ऑल सब कुछ आपको मिल जाएगा नाम मात्र के पेपर। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं और महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय सीख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये रहा जीवन परिचय महादेवी वर्मा का। यही नोट्स हैं जो आपको नाम मात्र के पेपर मिल रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर राइटिंग में, जो आपको समझ में आ जाए ऐसा लिखा हुआ है। जीवन परिचय महादेवी वर्मा, जन्म आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी दो रचनाएं दीपशिखा, यामा, निर्जा, निहार, रश्मि, आपदा, ये सब महादेवी वर्मा की रचनाएं है। अगला क्वेश्चन, भाषा, महादेवी वर्मा की भाषा। तो महादेवी जी की भाषा अत्यंत क्या उत्कृष्ट तथा सशक्त है। कहने का तात्पर्य है कि महादेवी वर्मा जी की जो भाषा है वो अत्यंत क्या है, उत्कृष्ट है, मतलब बिल्कुल शुद्ध है तथा शक्तिशाली है। आपने संस्कृत प्रधान शुद्ध साहित्यिक भाषा को ही अपनाया है। मतलब संस्कृत प्रधान, मतलब जो संस्कृत भाषा होती है वो क्या होती है, बिल्कुल शुद्ध होती है। तो ऐसी शुद्ध साहित्यिक भाषा को अपनाया है महादेवी जी ने। संस्कृत भाषा के साथ साथ उर्दू के शब्द, फारसी व अंग्रेजी के ऐसे शब्द जो संसार में क्या है, प्रचलित है, उन शब्दों का इन्होंने क्या करा है, प्रयोग किया है। आपकी भाषा पात्रानुकूल भी है। कहने का तात्पर्य है महादेवी जी की भाषा जो है पात्रों के अनुकूल भी है। जैसे पात्र होते हैं उनके अनुसार क्या किया गया है, भाषा का प्रयोग किया गया है। कहीं पर मुहावरों का भी प्रयोग मिलता है। आपकी भाषा में चित्रों को अंकित करने तथा अर्थ को व्यक्त करने की अद्भुत क्या है, क्षमता है। अब शैली की बात करेंगे हम। महादेवी वर्मा ने कौन से शैली का प्रयोग करा है? तो महादेवी वर्मा एक यथार्थवादी लेखिका है। इनकी गद्य शैली में मार्मिकता, बौद्धिकता, भावुकता तथा काव्यात्मक सौष्ठव शब्दों का मेल मिलता है। उनकी शैली के, मतलब महादेवी वर्मा की शैली के विविध रूप हैं जो निम्नलिखित है, सूत्रात्मक शैली, चित्रात्मक शैली, अलंकारिक शैली, भावात्मक शैली, ये इनकी शैली के रूप हैं। साहित्य में स्थान, बात करें हम साहित्य में स्थान की, तो महादेवी वर्मा हिंदी की सर्वाधिक प्रतिभावान कवित्रियों में से एक है, मतलब लेखिकाओं में से एक है तथा छायावादी युग का साहित्य स्तंभ है। जिस तरह आपने हिंदी साहित्य को अपना योगदान काव्य के रूप में दिया है, उसे हमेशा याद किया जाएगा। आप आधुनिक युग की मीरा के रूप में सदैव स्मरणीय रहोगी। यामा इनकी प्रमुख रचना है, इसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये हमने जीवन परिचय जान लिया है। ये पेपर में आपको 100% देखने को मिलेगा, याद कर लीजिएगा सभी विद्यार्थी। और अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और आपका नाम क्या है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे वीडियो आपको मिल सके।
साथ ही साथ आप लोगों के लिए संपूर्ण सिलेबस का पीडीएफ या हार्ड कॉपी चाहिए तो आप नाम मात्र के पेपर बाय कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, देर किस बात की, आप जल्दी से जल्दी इस पूरे सिलेबस को ले सकते हैं। देखिए पूरा सिलेबस है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर सभी ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन सब आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।